अरे मेरा अरे मेरा बक्सा, मेरा बक्सा कौन उठा के ले गया? मेरा बक्सा कहाँ गया? अरे बक्से की तरह तू भी गायब हो जाएगा बीड़ू। चला जा वापस चला जा। देख बीड़ू, अपुन तेरे को 10 लाख की बात फोगड़ में बताएगा क्या? ये जो शहर है ना बम्बई, यहाँ हर आदमी को 3 चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है क्या? वो देख, रोटी, कपड़ा और मकान। इतना चिल्ला रहा है गुरी ये। ये अपुन का पंटर है, क्या बात है बे? भाई साहब वो बक्सा मेरा है, वो स्टेशन पर से चुरा के लेके आया है। उस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, कृष्णा। ए शाने, नाम लिख ले तो क्या होगा रे? अगर तू इस बस्ती में तेरा नाम लिख डालेगा तो ये बस्ती के तेरे बाप की हो जाएंगे। देखिए भाई साहब, आप बाप आपका चले, ये छपरी सुमड़ी में पतली गली काटे देंगा एक रात चीख क्या? मगर वो बक्सा हमारा। देखिए भाई साहब, वो बक्सा हमारा हमको दे दीजिए, उसमें हमारी बड़ी कीमती चीज है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हाँ। देख अभी अपना दिमाग को सटके लग गया। अरे भाई साहब हमारी बात भाई साहब, मेरा बक्सा मुझे दे दीजिए। देखो मेरा बक्सा मुझे दे दो भी। ये बंडर चल पेटी ला, चल देखो पेटी उठा। भगवान का सब, घबराओ नहीं भैया, सही हाथों में आके अटके हो। अरे गुरु क्या कर रहे हो, मार मार के लोंडे का प्रोग्राम बिगाड़ दोगे क्या? और भैया तू भी अपना रास्ता ना, ये गुरु बड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अरे मगर मेरा बक्सा इसने। अरे बक्से को मार गोली और तू गुल हो जा। भैया तेरे बक्से से महंगा है ये खून। भैया हमने तुम्हारी बड़ी मिन्नतें की, हाथ भी जोड़े पांव भी पड़े, अब मैं हाथ खोलता हूं। तेरे गुरु का प्रोग्राम बिगड़ गया तो सटक रहा है। जाने देना।
भगवान कसम भैये, इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखाया है, नाम नहीं बताओगे क्या? कृष्णा। लगता है बॉम्बे में नए नए आए हो और सर छुपाने के लिए छप्पर भी नहीं मिला अभी तक। भूखे भी लगते हो, मतलब ये हुआ कि शरीफ आदमी हो। भैया ये तो बात की बात रही, ये बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब जाओगे कहाँ? जहाँ पाँव ले जाए। ये भी खूब कही। तो भैया ऐसा करो कि पाँव को बोलो कि मेरे पीछे पीछे आ जाए, यही बगल में ही है मेरी हवेली। नहीं, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। और फिर जब मेरे अपनों ने मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया, तुमसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। रिश्ता क्यों नहीं है? रिश्ता है। देख, तू गरीब, मैं गरीब, और भगवान कसम भैये, गरीब का गरीब से तो वो रिश्ता होता है जो भाई का भाई से नहीं होता, बेटे का बाप से नहीं होता। और सच बात तो ये है, भगवान कसम पहली नजर में दिल में उतर गया है तू। चल आजा, आजा आजा। भाई ये बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी, भगवान कसम आंसू टपकवा दिए तूने तो मेरे। तुमने मेरी राम कहानी तो सुन ली, मगर अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बंदे का नाम एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट? ये क्या नाम हुआ? भैया बंबई शहर में लोग मजबूरी को मजाक बना देते हैं, और वही मजाक कभी कभी नाम भी बन जाता है। मैं फिल्म लाइन में प्रोडक्शन मैनेजरी करता हूं, और आर्टिस्टों को एयरपोर्ट छोड़ने और लेने जाता हूं। आर्टिस्टों को, यानी कि हीरो हीरोइन को भी? सबको। अमिताभ बच्चन से असरानी और श्रीदेवी से अरुणा ईरानी, सबको हजारों बार प्लेन में छोड़ने गया और लेने गया, पर कसम से मेरा अभी तक प्लेन में बैठने का प्रोग्राम नहीं बना। यार मुझे एक बार अमिताभ बच्चन से जरूर मिलाना है। भैये अब तू मेरे पास आया है तो तेरा ये प्रोग्राम भी फिट करा ही देंगे। अच्छा तुम यहाँ अकेले रहते हो, कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा? है, क्यों नहीं है। एक दूर का चाचा है और एक मुंह बोली भाभी। दूर का चाचा मुझसे दूर ही रहता है और मुंह बोली भाभी कभी मुझे मुंह नहीं लगाती। एक बात तू बता, इस बक्से में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तू लड़ने मरने को तैयार हो गया था? बताओ। यह है वो कीमती चीज? हाँ, ये मेरे साहब जी की तस्वीर है। अच्छा, तो यह उस महापुरुष की तस्वीर है जिसने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से धक्के देकर बाहर कर दिया था? नहीं, ये उस देवता की तस्वीर है जिसने एक 5 साल के बेसहारा और